हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीपैट एग्जाम और गेट एग्जाम, इन दोनों में क्या फर्क है। जीपैट एग्जाम अगर आप देते हो तो क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलते हैं, और गेट एग्जाम अगर आप देते हो तो क्या फैसिलिटीज मिलते हैं। क्या जीपैट एग्जाम गेट एग्जाम से बेटर है या फिर गेट एग्जाम जीपैट एग्जाम से बेटर है, सिंपली हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द बेसिक्स। लाइक जीपैट एग्जाम भी एक नेशनल लेवल एग्जाम है, गेट एग्जाम भी एक नेशनल लेवल एग्जाम है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो इस एग्जाम्स को करने के बाद आप लोग कर क्या सकते हो। तो जीपैट एग्जाम अगर आप देते हो, मोस्टली ये फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोग नाइपर एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। आप लोग इंडिया के जितने भी मास्टर्स ऑफ फार्मेसी और एम फार्म कॉलेजेस है उनमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो, इंक्लूडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी, डिप्सर, ऑल द अदर डिफरेंट पर्टिकुलर फार्मा यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट, ऑटोनोमस, प्राइवेट, डीम्ड, एवरी यूनिवर्सिटी। जीपैट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को जितना अच्छा स्कोर करोगे, रैंक करोगे, उतना बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे गेट के बारे में बात करें तो गेट एग्जाम को देने के बाद आप लोग एम फार्म के जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 90% में आप लोग एलिजिबल नहीं हो। कुछ कुछ कॉलेजेस जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए नाइपर के लिए आप लोग जीपैट दो या फिर गेट दो, बोथ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द नाइपर एग्जाम, इंक्लूडिंग द नेट ऑल्सो। नाइपर से आप लोग कर सकते हो अपना एमएस फार्म और एमटेक और एम फार्म, ठीक है। लेकिन बाकी अगर आप देखोगे तो उनमें आप लोग एलिजिबल नहीं होते, उसके लिए आपको जीपैट ही देना होता है। तो यहाँ पे जीपैट को मिला एक पॉइंट। अब बात करते हैं जीपैट में क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जीपैट को देने के बाद मिलते हैं, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो फार्मा रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं उनमें जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एलिजिबल लेते हैं। लाइक यू नीड बी फार्म चाहिए आपके पास, उसके साथ साथ जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए, तभी जाके आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर उस पोजीशन के लिए, और जिसके थ्रू आप लोग इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, पर्टिकुलरली एज अ रिसर्च एसोसिएट या फिर रिसर्च फेलोशिप एक्सेट्रा, जितने भी फार्मा कोर रिलेटेड रिसर्च होते हैं। वहीं पे अगर आप गेट को देखोगे तो यहाँ पे इसको दो पॉइंट मिला, लेकिन अगर आप लोग गेट को देखेंगे तो गेट से भी आप लोग जा सकते हो फार्मा के रिसर्च में। लेकिन गेट में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, आप लोग सिर्फ फार्मा के नहीं, जितने भी लाइफ साइंस रिलेटेड, क्योंकि गेट हम लोग क्वालिफाई करते हैं नॉट फ्रॉम फार्मा, हम लोग करते हैं फ्रॉम बायोटेक और फ्रॉम लाइफ साइंस एक्सेट्रा, जितने भी लाइफ साइंस हेल्थ साइंस रिलेटेड रिसर्च होते हैं पूरे इंडिया में, जितने भी निकलते हैं नॉर्मली रिक्रूटमेंट्स नोटिफिकेशन, उन सभी में देते हैं कि आइदर आपके पास नेट होना चाहिए या फिर गेट होना चाहिए। जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर नॉट यहाँ पे एलिजिबल। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सिमिलर वे में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है एक्चुअली में। डिफरेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन लाइक DRDO, अगर आप देखोगे DRDO है, BARC है, इन सभी में जो रिसर्च पोजिशन आते हैं रिलेटेड टू हेल्थ साइंस लाइफ साइंस उसमें, या फिर जो PhD करने के लिए आते हैं तो उसमें गेट या फिर नेट ही लेते हैं मैक्सिमम। कुछ फार्मा रिलेटेड होता है रिसर्च तो वहाँ पे जीपैट को लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट PSUs जो होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनमें डायरेक्टली जॉब मिल सकता है या फिर डायरेक्टली इंटर्नशिप मिल सकता है आप सभी को, जो भी आप गेट क्वालिफाई करते हो। ये जो सुविधा है या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जीपैट स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने के बाद नहीं मिलता है। गेट क्वालिफाई करते हो तो गेट क्वालिफाई जैसे या करते हो, जो टॉप रैंक्स होते हैं मतलब जो अच्छे स्कोर करते हैं, आपको ऑब्वियसली अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए तो अच्छा स्कोर तो करना ही होगा, तो जो 1 to 100 या फिर 1 to 50 टॉप रैंकर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट PUCs डायरेक्ट शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। अब उनको इंटरव्यू देने जाना होता है, इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट PUCs में डायरेक्ट जॉब मिल सकता है, जैसे कि भेल मान लो एग्जाम्पल ले लो। इसके साथ साथ भी है कोल इंडिया है एंड डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं एक्चुअली में, जो डायरेक्टली गेट के स्कोर के बेसिस पे रिक्रूट करते हैं स्टूडेंट्स को, राइट। इसके साथ साथ अगर हम लोग PhD का ऑप्शन देखेंगे तो नॉर्मली जीपैट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग डायरेक्ट PhD नहीं कर सकते, वो पॉसिबिलिटी गेट में है। गेट एग्जाम देकर आप लोग PhD के लिए जो इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PG PhD। जीपैट देकर भी होते हो बट इंटीग्रेटेड में, बट नाइपर में सिर्फ। लेकिन यहाँ पे आप लोग IITs में एमटेक कर सकते हो, II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 
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग गेट से जिसमें एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी कर सकते हो। इसके साथ साथ थोड़ा और कुछ अगर डिस्कस कर ले तो एक कुछ फैक्टर्स है, जैसे जीपैट रिसेंटली एआईसीटी से ब्रेक हो गया है, तो जीपैट का स्टाइपेंड लाइक अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि पीसीआई से दिया जाएगा या नहीं, लेकिन गेट का नोटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है। गेट का जो स्टाइपेंड है वो कंटिन्यू है 12,400, अगर आप लोग पीएचडी करते हो तो वहाँ पे आपको पीएचडी का मिलता है, जो रिसेंटली थोड़ा सा हाइक हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ऑल ओवरऑल तो गेट का जो पॉसिबिलिटीज है वो जीपैट से काफी हद तक अच्छा है।
बट प्रॉब्लम एक जगह पे है, अगर हम लोग को हमारे कोर साइड में रहना है, कोर सेक्टर में रहना है, तो हम लोग को एम्फाम ही करना चाहिए, ना कि गेट। जीपैट हम लोग गेट दे सकते हैं अगर क्वालिफाई हो गया नाइपर देने के लिए, तो दैट इज फाइन। बट अगर हम लोग को कोर में रहना है, फार्मा से ही एम मास्टर्स करना है, तो आई थिंक जीपैट इज बेटर ऑप्शन देन गेट। लेकिन जीपैट एग्जाम से थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा इजी है, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो। अच्छे से स्टडी करोगे तो दोनों ही पॉसिबल है क्रैक करना, ऐसा नहीं है, बट स्टिल गेट इज समहाउ इजियर देन जीपैट। जीपैट का एग्जाम थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई होता है। एंड अगर हम लोग देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज, दोनों में ही एक्चुअली डायरेक्टली कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों में ही लिखा रहता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से आपको कॉलेज या कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको काउंसलिंग करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करना है। लेकिन गेट का एक सिस्टमिक वे से काउंसलिंग होता है, जीपैट का ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिस्टमिक वे से नहीं है, अलग अलग कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है। तो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन द जीपैट एंड द गेट्स। अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज टू चूज जीपैट और गेट, दोनों एग्जाम ही दे सकते हो एज पर योर चॉइस। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू गेट एंड जीपैट। थैंक यू सो मच।